फुर्ती और ताकत के लिहाज से दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर टाइगर है, फिर भी 10 में से 8 बार शिकार इसके पंजों से निकल जाता है। यही वजह है कि ताकत की कद्र सबसे ज्यादा टाइगर फैमिली में होती है। इसीलिए सिंहों की दुनिया में कमजोरी संगीन अपराध है, इतना संगीन कि पैदा हुए शावक को भी माफी नहीं मिलती। इंसानी स्वभाव के उलट अगर टाइगर का बच्चा कमजोर पैदा होता है तो बाघिन उसको दूध नहीं पिलाती बल्कि मरने के लिए छोड़ देती है। यह भी सच है कि जो शक्तिशाली और साहसी होते हैं उन्हीं का वजूद सबसे ज्यादा खतरे में होता है, क्योंकि धूर्तता और लालच परेशान हो सकते हैं पर सुधर नहीं सकते। इंसानी लालच के चलते संसार में जितने भी मजबूत प्रजातियां और सभ्यताएं रही हैं वह वजूद बचा पाने में असफल रही हैं। टाइगर भी इसका अपवाद नहीं है। टाइगर की 9 नस्लें हैं पर 3 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इंडोनेशिया के सूडा आइलैंड का सबसे छोटे कद का बाली टाइगर 1950 के बाद दिखा ही नहीं। चमकदार खाल वाला खूबसूरत कैस्पियन टाइगर 2003 में विलुप्त टाइगर की श्रेणी में आ गया। इन तीनों प्रजातियों को चाहकर भी हम धरती पर वापस नहीं ला सकते। अब बाकी की 6 सब स्पीशीज पर ध्यान दीजिए। मलेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक मलाया टाइगर अब 100 से ज्यादा नहीं है। इंडोनेशिया का सुमात्रा टाइगर 400 की संख्या पर सिमट गया है। इंडो चाइनीज टाइगर की गिनती है लगभग 350। सबसे लंबे और भारी भरकम साइबेरिया के आमू या साइबेरियन टाइगर 400 के करीब पहुंच चुके हैं। बंगाल टाइगर के जुड़वा भाई जैसे लगने वाले साउथ चाइना टाइगर भी दिखना बंद हो चुके हैं। 3167 की संख्या के साथ बंगाल टाइगर की बात छोड़ दी जाए तो टाइगर की बची हुई सभी 5 सब स्पीशीज किसी भी समय विलुप्त हो सकती हैं। पर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया जिसकी आबादी बचाने को लेकर संजीदा है उसके बावजूद टाइगर घटते ही चले जा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अंधाधुंध शिकार और जंगलों का कम होना, लचर वन्य जीव कानूनों का होना। किसी बाघ को मारने पर भारत में ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा मिलेगी। अन्य देशों के कानून भी लचर ही हैं। 2-4 बार भी शिकारी सफल हो गया तो उसको जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से भी ज्यादा होता है टाइगर। टाइगर की खाल, हड्डी, नाखून, दांत, मांस, खोपड़ी सब कुछ मिलाकर एक चीते की कीमत करोड़ से ऊपर निकल जाती है। खुद सोचिए, 4-5 साल की सजा का डर बाघों या अन्य बड़े जीवों का शिकार कैसे रोक सकता है, जबकि मृत्युदंड की सजा होने के बावजूद भी इंसानों की हत्याएं नहीं रुक पा रही। टाइगर की कीमत करोड़ों में होती है। मानवीय अंगों से भी ज्यादा महंगे बाघांश हैं। 80 लाख रुपए की तो सिर्फ इसकी खाल होती है। एक एक नाखून हजारों रुपए का होता है। एक दांत 25,000 तक में बिकता है। हड्डी, मांस, जबड़ा, हर चीज अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग अलग कीमत पर बिकती है। उसकी हड्डियों का प्रयोग पारंपरिक दवाओं को बनाने में किया जाता है, गोंद को उबालने में किया जाता है। उसके दांत और उसके पंजों से आभूषण बनाए जाते हैं। चीन में बाघ के अंगों से पारंपरिक दवाइयां बनती हैं। चीन में यह अंधविश्वास भी है कि अगर शेर का कोई अंग घर में रहेगा तो वह घर आग से बचा रहेगा, लेकिन आम तौर पर इनकी तस्करी तो दवाओं के लिए ही होती है। म्यांमार में वन्य जीवों के अंगों का खुलेआम बाजार लगता है। बहुत से देशों में यही हाल है। अगर यूं ही चलता रहा तो भारत को छोड़कर अगले 5 सालों में बाघ दुनिया में कहीं भी नहीं रह जाएंगे, और भारत में भी बाघ सहित सभी वन्य जीवों उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। मौजूदा कानूनों को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। जंगलों में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम करने की जरूरत है, वह भी वैश्विक तौर पर। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सुनाई धरती के सबसे शक्तिशाली जीव पर इंसानी लालच के दुष्प्रभाव की कहानी। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगा, और जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा कि बिग कैट फैमिली में कौन कौन से वन्य जीव आते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।